हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो मैं आज बैठी हूँ शॉप पे, और मैं शॉप सुबह ही आ गई थी, और मैं इतनी बोर हो रही हूँ ना आज की, मैं आपको क्या बताऊँ। एक्चुअली मम्मा भाई और सीमू भी गई है बगीचे को स्प्रे करने, और मैं सुबह से अकेली हूँ शॉप पर। सुबह से ना इतनी बोर हो रही हूँ ना आज, मतलब अकेले अकेले ना मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ना मतलब फ़ोन में सीरीज़ देख रही थी, वेब सीरीज़ एक तो मैंने देख ली है। अब सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ, फ़ोन भी चला के देख लिया, इंस्टाग्राम यूट्यूब सब चला लिया, फिर भी बोर हो रही हूँ। अभी मैंने मम्मा को फ़ोन किया था, वो आने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, तो तब तक कुछ और देख लेती हूँ फ़ोन में। और क्या करूँ, क्योंकि बाहर तो मौसम आज कुछ ऐसा ही है, और इतनी ठंड भी नहीं है, ठीक है, अच्छा है मौसम। तो थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे, तो तब थोड़ा सा मुझे, अभी मैं ऊपर गई थी, मैंने 2 बजे लंच करा, अब 3 बजने वाले हैं, तो अभी थोड़ी देर और बैठना होगा। मम्मा और सीमू वापस आ गए हैं बगीचे से, और खाना वगैरह खा लिया है मम्मा वगैरह ने, और मम्मा कर रहे हैं अभी मासी से बात, क्योंकि मासी का कॉल आया है मम्मा को, और मासी से बात कर रहे हैं मम्मा। और मैं सोच रही कि अब मैं ऊपर जाती हूँ रूम, और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना थक गई हूँ सुबह से बैठी है यहाँ पर, और मुझे बहुत थकावट फील हो रही है, और ना थका थका सा फील हो रहा है ना, क्या बताऊँ। सोच रही हूँ ऊपर जाती हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर, जाती हूँ मैं ऊपर, और सीमू भी अंदर उठ गई थी। हाँ जी मैडम जी, क्या हो रहा है? थक गई। ऐसे कैसे थक गई? नहाने जाना है अभी। नहाती भी है? खाना खाया ना मैंने तो। नहाती भी है तू? तो एकदम नहाते नहीं है इसलिए। अच्छा अच्छा। और मैं इतनी थक गई ना, तू थकी ना बगीचे में, मैं थक गई दुकान में, मैंने और पड़ी थी पूरे दिन भर। दुकान में भी थक जाते, दुकान में भी रेल बन जाती है। पता देखो इतने थकते ना दुकान में ना, हालत टेढ़ी आती दुकान में भी रोज थक कर। अभी तो 4:30 हुए है। शिक्षु ने खा लिया खाना? है खा लिया? तो दाल बच गई इसमें? ज्यादा दी उन्होंने। अच्छा अच्छा, अच्छे लोग ऐसे करते। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं अभी उठ चुकी हूँ और पानी पी लिया है, और 8 बजने वाले हैं, 7:45 हो गए हैं, तो मैं अभी नहा लेती हूँ पहले, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं नहा कर आ गई हूँ, और मैंने धूप भी जला लिया है, और अब थोड़ा सा लोशन लगा लेती हूँ और क्रीम भी लगा लेती हूँ। अभी भी बहुत ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा, प्रॉपर गर्मी नहीं हुई अभी तक, ऐसे होती है ना। तो मैंने क्रीम लगा लिया है, और अब मैं थोड़ा पानी दे देती हूँ, क्योंकि पानी दिया ही नहीं गमलों को, 2-3 दिन हो गए आई थिंक, सूख रहे हैं। सो गाइस, पानी ला लिया मैंने, क्योंकि ना मेरे गमले ना सूख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ इसमें मैं। गमलों को पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कुछ टाइम हुआ इनको लगा के ना, नहीं तो ये सूख जाएंगे पूरी तरह से, अगर मैं इनको पानी नहीं दूंगी। देखिए ये वाला मिट्टी पूरी सूख गई है, ये वाली तो थोड़ा थोड़ा ही दूंगी मैं इनको पानी, ये वाली मिट्टी तो पूरी सूख गई है।
और लाती हूँ पानी और देती हूँ, फिर आप मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस मैं आ गई हूँ शॉप और आपको पता है मैं अभी रील्स बना रही थी क्योंकि मेरे ये येलो येलो सूट हो रहा था ना, तो मैं सोचा कि कुछ रील्स बना लेती हूँ। रख दिया वो जैकेट वहीं पर, क्यों ठीक है वो, अच्छा तो ब्लू कलर का जैकेट तो मैंने रील्स भी बना ली है, दो चार रील्स बनाई है येलो वाले में, और मेरे पास रील्स थी नहीं डालने के लिए, बनाई भी नहीं थी मैंने काफ़ी दिनों से, तो मैं सोचा चलो अभी बना लेती हूँ, फिर ना मुझे आलस लग जाता है रील्स बनाने का। और मम्मा बैठे हुए हैं बाहर, तेज़ धूप लगी है और मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ क्योंकि कुछ कह ही नहीं करने के लिए, चलो देखती हूँ क्या करती हूँ। भाई भी चला गया है काली शाली टिब्बा मंदिर, हाँ उधर गए हैं वो लोग। हाँ 10:30 ही हुई है अभी, दो टाइम कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, 11:30 हुई है अभी तक, पूरा दिन बिताना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या करूँ मैं। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि मैं ना वेब सीरीज़ ही देखती हूँ, वेब सीरीज़ में ना टाइम निकल जाता है और कभी रील्स बना लेती हूँ। तो अभी मुझे मेरी कल की वेब सीरीज़ पेंडिंग पड़ी हुई है तो मैं अभी जाकर वही देखती हूँ। मैं और मम्मा अब शॉप पे बैठे हैं और मम्मा मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हूँ, काम कर ले कुछ। क्या काम कर रही हूँ? कपड़े धो ले ऊपर। क्या ये भी कोई काम होता है? ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तो बगीचे में चलूं पर तौलिए करने। तौलिए कौन करता है आजकल? आजकल हम करते हैं अभी छोटे तौलिए करने। तौलिए कोई करने की चीज है? हाँ तो तौलिए से तो मैं नहाती हूँ। खोदना पड़ता है वो। अच्छा अच्छा खोदने वाला तौलिया, मैंने सोचा यूज करने वाला तौलिया। अच्छा मैं बहुत बोर हो रही हूँ मम्मी सच्ची में। है मम्मी उठाना भाई, सुस्ती फैला रही हूँ मम्मी, सुस्ती उठाना। सच में लग रहा है मम्मी मेरा वेट हो गया कुछ कम है ना, पतली लग रही है बस, बहुत हो गया, तू बहुत भी कमजोर लग रही है। नहीं उतनी कमजोर तो कहीं नहीं लग रही, आप तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। दिख रही है कमजोर नहीं, देखो वेट वूट अभी ऊपर जाना पड़ेगा अंकल के पास, वहाँ वेट चेक करूंगी जरा कितना वेट कम हुआ है। 13-14 दिन हो गए मुझे डाइटिंग करते हुए है ना। अरे बहुत हो गया वेट कम। अरे अभी तो 13-14 दिन हुए, सिर्फ एक महीने तक तो करूंगी ना कम से कम, तब देखने लायक नहीं रहेगी फिर। एक महीने तक करूंगी कम से कम, देखने लायक तो रह जाऊंगी थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत मम्मा ना बिल्कुल भी वेट कम करने नहीं देते, मतलब मम्मी ने ना मेरे को इतना ठूस ठूस कर खिलाया ना जबरदस्ती ना, तभी मैं इतनी मोटी हो गई थी। 5 किलो वेट बढ़ा मेरा सर्दियों में सच्ची में, और वो 5 किलो में वेट कम करके ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। 5 किलो करेगी तो बहुत कमजोर हो जाएगी। नहीं होती उतनी कमजोर अभी, देखो तो डबल चिन भी गायब होगी है फेस से, और साइड के जो फैट्स आए थे मुझे वो भी निकल चुके हैं 10-12 तो आ जाएंगे अगर तू खाना शुरू कर दे। अरे वो नहीं चाहिए मेरे को, फिगर मेंटेन नहीं रहता ना फिर, अगर मैं वो लूंगी तो फिर सिस्टम खराब हो जाता है, वो नहीं चाहिए मुझे। वो आपको ही मुबारक हो, ये देखिए वो आपको ही, मम्मी को ही मुबारक हो फैट। तो खाने के भी है, हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ मुझे नहीं चाहिए फैट, ये आपको ही मुबारक हो, ये ढोलक पेट की ढोलकी बना दी है मम्मी ने फैट भर भर के। मम्मी को मैं बोलती हूँ एक्सरसाइज कर लो पर मम्मी नहीं कर पाते एक्सरसाइज, इसलिए ये आपको ही मुबारक हो पेट की ढोलकी, मुझे नहीं चाहिए। टाइट पहनी तब लग रही है। हाँ हाँ अब बोल रहे मम्मी को मीज टाइट पहनी है तो बड़े आप हैं। मैं अभी मार्केट गई थी और वहां से लेके आई थी एक ट्रॉपिकाना और एक बादाम वाला जूस, और मैंने खुद ट्रॉपिकाना पी लिया, सीमू को बादाम वाला दे दिया। सीमू बोलती दीदी ये तो बहुत टेस्टी होता है बादाम वाला, और मुझे ना कोई आइडिया नहीं था कि ये इतना टेस्टी होता, पता नहीं मैंने कब पिया होगा, मैं भूल गई थी पिया था मैं दीदी। और जब अभी सीमू ने पिलाया तो सच में टेस्टी हुआ, तो मुझे पीना था टेस्टी वाला तो। बट ये सीमू की किस्मत में हो गया टेस्टी वाला, अब है सीमू पी सकती है ऐसा मैं कुछ नहीं। नहीं नहीं मैं दूसरे किस्से का नहीं पीती, ये मेरा दीन ईमान धर्म है। ओह कब से? बचपन से है ये मेरा धर्म। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर डिनर रेडी हो रहा है बनकर, ये देखिए है बीन की सब्जी और इसमें डाले हैं थोड़े से आलू, और ये मम्मा ने बनाई है, देखने में तो बहुत यम्मी लग रही है, देखने में तो बहुत यम्मी लग रही है, बट मैं तो डिनर नहीं करूँगी, मैं तो डिनर कल ही करूँगी, डिनर नहीं सॉरी मैं तो लंच कल ही करूँगी दिन में।
ब्लॉग को भी करूंगी यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।